तो भाई वेज मिसल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ट्राई भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी चिकन मिसल ट्राई किया है? नहीं ट्राई किया है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखें। Hi guys, my name is Mohsin Khan. You're watching my kind of production. I'm on the streets of Mumbai. Mumbai में मैं हूँ ओशीवर, नहीं आदत होगी ओशीवरा बोल के, ओशीवरा से बहुत दूर आ गया हूँ। I'm here in भांडुप near कोकन नगर बस स्टॉप और मुझे इन्विटेशन आया है एक मिसल रेस्टोरेंट से। यस, मैंने पहले भी डिस्क्लोज किया था, इनका मेन्यू डाला था, दैट इज देवी सी गोरे मिसल फैमिली रेस्टोरेंट। हाँ भाई, तो गोरे मिसल फैमिली रेस्टोरेंट ने हमें इन्वाइट किया है बिकॉज दे वॉन्टेड टू शेयर देयर मिसल रेसिपी विद अस। हटके हैं, अच्छा मिसल तो हमारे चैनल पर है, फिर मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? क्योंकि इनका मिसल वाकई में हटके है। दे हैव डिलीशियस वेज मिसल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज मिसल, बट सबसे इम्पॉर्टेंट कारण मेरा यहाँ पे आने का वो है, दैट इज मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए, मतलब मेरे खुद के लिए भी, दे हैव चिकन मिसल। आई लव, मैंने चिकन मिसल कभी सुना नहीं। यस दीज गाइस, ये दैट्स गोरे मिसल का यहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट है, दे हैव चिकन मिसल। अब चिकन मिसल कैसे बनता है यार, और टेस्ट कैसे करता है? अंधेरा आ गया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। हाँ, चिकन मिसल कैसे बनता है और टेस्ट कैसा करता है आप जानना चाहते हैं, रेसिपी भी चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। फर्स्ट आई विल बी शेयरिंग द वेज मिसल, देन चिकन मिसल, और एक आध रेसिपी और इनकी शेयर करने वाला हूँ इन अ सीरीज ऑफ अपलोड्स। देखते रहे माय काइंड ऑफ प्रोडक्शन। आई एम इन भांडुप वेस्ट, यो मैन, बहुत दूर। तो गोरे बाबू, अभी हम चिकन मिसल बनाने, चिकन मिसल का जो अपन वेज मिसल जैसे बनाया वैसा चिकन मिसल के लिए चिकन का ग्रेवी बनाना बहुत जरूरी है। चिकन ग्रेवी बना रहे, तो अभी स्टार्ट करेंगे, आप देख लीजिए एक बार कैसा बनता हो। सो गाइस, फर्स्ट टाइम ऑन एनी चैनल दैट्स चिकन मिसल कमिंग अप। चिकन मिसल के लिए सबसे पहले तेल लिया, दो चम्मच, तीन बड़े चम्मच, चार बड़े चम्मच, पांच हो गए, पांच बड़े चम्मच। और ये तेल गर्म होने के बाद अब इसमें कितना कड़ी पत्ता डाल रहे दिखा देंगे, एक छह से सात कड़ी पत्ता। और ये तर 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 चालू हो गया, गैस स्लो कर दिया गया। इसमें जाएगा जीरा, जीरा राई जाएगा, राई जाएगा थोड़ा, एक कसूरी मेथी, ये डाला आपने कसूरी मेथी, थोड़ा सा जीरा, जीरा लहसुन पेस्ट दिखा के डालिएगा, अदरक पेस्ट, एक चम्मच लहसुन पेस्ट, लहसुन पेस्ट, अच्छा मिर्ची पेस्ट, ये खीचा, एक चम्मच मिर्ची पेस्ट, खीचा गया मिर्ची पेस्ट, यस, और ये अपना सर करके लेंगे उसको, सर करने के बाद उसका कच्चापन जो है लहसुन का वो निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको स्वाद नहीं आता। अच्छा, कच्चापन निकलना बहुत जरूरी है लहसुन का, इसके लिए भून रहे, भून रहे, इसलिए भून रहे। एक आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, हल्दी डाला, गैस अभी फास्ट कर लिया। तो गाइस, दिस इज अ बिजी किचन हियर, यहाँ पे आपको बता दें ये मिसल बन रहा है, ये वाइट पेस्ट है, वाइट पेस्ट, ये कौन सा वाइट पेस्ट है? वाइट पेस्ट अपना मगज और काजू, काजू का, काजू और मगज का पेस्ट, वाइट पेस्ट है, दम मार के अपन ने रखा हुआ है जी। या तो आप ऐसे काजू पेस्ट भी ले सकते हैं या मगज पेस्ट भी ले सकते हैं, ये एक बड़ा चम्मच ले लिया। यहाँ पे चिकन भी रखा है, चिकन के पीस रखे हुए अपन ने, तो ये चिकन मिसल कितने का मिल जाता है? चिकन मिसल जो है 110 का उसका एक प्लेट मिलता है अपने को, और मेगा चिकन थाली जो है मिसल का वो 230 का है, अपने 230 का, यार दो आदमी आराम से खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं।
में अभी चिकन चिकन हड्डी वाला लाल ना, हड्डी वाला लाल। अच्छा उसका रस्सा का टेस्ट नहीं तो नहीं हड्डी और ज्यादा आता हड्डी का, उसका जो स्टैक पूरा उतर जाता है उसमें हड्डी का, हड्डी का टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। ये भून रहे हैं और यहाँ मिसल बन रहा है, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे आपकी पूरी फैमिली भी है ना, पूरा फैमिली यहाँ पे, पूरी टीम है इनकी, पूरा टीम, पूरा हमारा पूरा गोरी मिसल का टीम लोग का, गोरी मिसल का पूरा टीम वहाँ तक सब लोग है। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक, हमारा ये मिसल बन रहा है चिकन मिसल, नमक, थोड़ा नमक डाल, नमक डाला जा रहा है, नमक स्वाद अनुसार। फिलहाल डेढ़ चम्मच डाला है इन्होंने। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम करण। करण बना रहे हैं हमारे लिए चिकन मिसल। ये भूज गया है और अब करण इसमें डालेंगे पानी, पानी डालने वाले, पानी डाल दो इसको, एक 20 मिनट तक आराम से पकाएंगे वो। अच्छा इसको अभी दम 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 उसके ऊपर ढक्कन रख के ऊपर फ्लेम फास्ट कर, फ्लेम फास्ट करेंगे, चिकन गल जाएगा पूरा, पूरा गल जाएगा। और थोड़ा पानी और थोड़ा डालेगा पानी थोड़ा रसा के लिए। ढक्की पहले पकाने वाले। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बिजी किचन है इनका, यहाँ पे सब चल रहा है, फैमिली भी इन्वॉल्व है, उनके स्टाफ जिनको इनकी मम्मी पूरा सिखाती है। यहाँ पे टिक्की बन रही है, क्या बात है, ये फास्ट उपवास की टिक्की है, उपवास की टिक्की बन रही है, नवरात्रि उपवास की टिक्की बन रही है। आपका उपवास हो? यस मेरा उपवास होने के बाद भी आपने रेसिपी शेयर की, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ये अब हमारा जो ग्रेवी है रेडी हो गई है उबलने का, ब्रॉथ रेडी हो गया। अच्छा आपने पहले भी कहा था ये रेडी हो गया, क्या बात है। अब स्टेप टू की ओर बढ़ते हैं। अभी स्टेप टू की ओर बढ़े, स्टेप टू है अभी स्टार्ट में। इसमें अभी हम जो ग्रेवी बना रहे हैं, चिकन रस्ते की ग्रेवी बना रहे हैं, जिसमें ऑयल जाएगा। ये स्टेप टू की ओर, स्टेप टू की, हाँ, चिकन मिसल का जो ग्रेवी है, चिकन का ग्रेवी अपन वो बना रहे हैं अभी, चिकन का ग्रेवी। यस, ले लिया है 3 चम्मच बड़े बड़े। और ये क्या है? अरे वाह, ये बटर है, बटर जाएगा उसमें 1 चम्मच, 1 चम्मच 1.5 चम्मच जैसा जैसा बना रहे वैसा हिसाब से। यहाँ पे मटेरियल की हम लोग ये नहीं रखते, बस खिलाना पब्लिक को। अभी इसमें घी जाएगा, हाँ असली घी, तेल बटर और ये गया घी, घी गया 2 चम्मच, 2 चम्मच डाइट अनुसार, और डाल लो, और डाल दो, और डाल दो बस, कुछ भी अच्छी यार ये मस्त। और अब ये डाल रहे हैं कड़ी पत्ता, जाया जाएगा उसमें, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं। कसूरी मेथी जाएगा उसमें भी, कसूरी मेथी डालना हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा। इसमें अभी अदरक गार्लिक पेस्ट जाएगा, लहसुन पेस्ट, लहसुन पेस्ट, लहसुन पेस्ट है, लहसुन पेस्ट, और बड़ा वाला चम्मच चलेगा, और अदरक पेस्ट, अदरक पेस्ट, अदरक पेस्ट, मिर्ची पेस्ट है, मिर्ची पेस्ट है, जो हमारे पहले ग्रेवी में भी सेम 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 था। तो गाइस ऐसे किचन में जाकर रेसिपी लाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, एंड बी पेशेंट यार। आप एक नई रेसिपी सीख रहे हैं, वक्त लगता है। लाइव फ्रॉम द किचन ऑफ गोरीज मिसल, चिकन मिसल कमिंग इन योर किचन। इसको अभी भूनते रहना ना, कितने भूनते रहने का एकदम, 5 मिनट तक इसे भूनते रहें। अब ये ऑनियन डाला जा रहा है 1 मुट्ठी, और ये 2 मुट्ठी डाला है, 2-3 मुट्ठी, इसको भी भूनते रहना अभी, ब्राउन होने तक इसे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, चिकन मसाला, सॉरी सर, चिकन मसाला 1 चम्मच डाल दिए, बड़ा चम्मच डाल दिया, ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच धनिया, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर,
धीरे धीरे रंग चेंज हो रहा है। इसको अभी भून लिया है कि और भुनने वाला? अभी ये बना मसाला भुनने के बाद अब स्टॉक वाटर डालने वाले चिकन में। थोड़ा सा पहले डाले, पहले हल्का सा डाले मसाला ब्लेंड होने के लिए। क्या बात है, पहले उसमें भी डाला गया। और ये मसाला जो मिसल का मसाला हमने बनाया था गाइज, ये जो मसाला है बड़ा चम्मच लिया जा रहा है। ये पार्ट वन में ये मसाला हमने दिखाया है वेज मिसल के लिए, ये एक चम्मच डाला है। और ये देखिए बराबर बना रहे कि नहीं, यहाँ पे देखने के लिए बराबर बना रहे कि नहीं? बराबर बना रहे। इज ऑलवेज स्टैंडिंग, एकदम देखते बराबर के बराबर चल रहे हैं। ये रेसिपी मसाला भून लिया है और आप जो चिकन हमने पहले बनाया था वो डालने वाले हैं। डाल दिए या है। क्या बात है, ये कितने लोगों का मिसल बन रहा है? ये कम से कम चार पाँच आदमी लोग आराम से खा लेंगे। क्या बात है, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये सालन रेडी हो गया अभी? अभी सालन अभी रेडी हो गया है, बस अभी इसको अपना प्लेटिंग के लिए ले लेंगे फिर। सो गाइस आई एम हियर एट गोरेज मिसल। हमारी जो दोनों ग्रेवी है, बेस ग्रेवी और चिकन की जो ग्रेवी है मिसल की, वो बन चुकी है। अब फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जिसमें जो चिकन मिसल है उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं यार, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो चलिए, अब ताई फिर से आ गई हमारे साथ में। एंड यस, चलो कैसे सर्व करेंगे? कितने की है वैसे चिकन मिसल? 110 का। ओके, और ये हमने ये दोनों रस्सा, ये चिकन रस्सा है और वो हमने पार्ट वन में बता दिया था मिसल का जो रस्सा है। जी, गो फॉर इट। सर्व करेंगे कैसे, स्टार्ट? तो भाई चिकन मिसल भी सर्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो फरसान लेना है, घाटिया लेना है, और एक वाटी में आप अलग से कांदा और नींबू ले लीजिए। फरसान के ऊपर आप डालेंगे स्प्राउट्स और उसके ऊपर डालेंगे बॉइल्ड चिकन। क्या बात है, इस मिसल में चिकन मेगा थाली में अलग से भी आपको वाटी में चिकन दिया जा रहा है। और ये देखिए हमारी जो मेन प्लेट है उस पर अब चिकन मिसल की ग्रेवी डाली जा रही है, एंड दिस लुक्स सो टेम्पटिंग। और अलग से जो वाटी है बॉइल्ड चिकन वाली, उस पर भी अब रस्सा डाला गया है। और हमारी जो मेन चिकन प्लेट है उस पर अब डाला जा रहा है वेज मिसल, जो कि हमने पार्ट वन में इसकी रेसिपी शेयर की है, तो उसे तो आपको देखना ही पड़ेगा, वरना तो आप ये डायरेक्टली चिकन मिसल नहीं बना पाएंगे। तो उसे ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये देखिए अलग से भी वो तरी वाला 36 मसाले वाला मिसल सर्व किया गया है। टॉप अप द मिसल विथ सम चॉप्ड ऑनियन एंड अपने मनपसंद फरसान को ज़रूर छिड़किएगा, और छिड़किएगा हरा धनिया, अवेलेबल एट योर लोकल बनिया। सर्व इट विद पाव, द मिसल इज वाओ। एंड दोस्तों सीक्रेट रेसिपी शेयर की है चिकन मिसल की, तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। एंड ऑफकोर्स कमेंट करिएगा गोरे फैमिली के लिए कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया और ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड माई काइंड ऑफ प्रोडक्शंस की तरफ से भी थैंक यू सो मच टू द गोरे फैमिली। आ करिए, आ आ आ, प्रथा है हमारी, मैं खा ले दो। जबरदस्त, फैंटास्टिक। ताई आई का आणखीन चांगलं आहे काय? सीक्रेट सीक्रेट काय शेअर केले तुम्ही? आणखीन चांगलं आहे, सुपर, एकदम सुपर आहे। अच्छा मैं पाव के साथ भी नहीं खाऊंगा, मैं तो इसको ऐसे भी, ये नहीं चाहिए पाव के साथ, नहीं ऐसे ही गर्मा गर्म इसको खाने का। आय हाय हाय हाय, थैंक यू। दूसरा है बनाए, और भी बना, वो भी खाओ, और भी खाओ। ये होता है, ये देखिए ये आशीर्वाद होता है इनका। हाँ। ये जो बता रहे हैं ना,
एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। अब हर किचन में बोरे का मिसल बन सकता है, पर आपको वादा करना होगा आप हांडू बेस्ट आएंगे और यहाँ पे जो बस स्टॉप है क्या है, कोकन, कोकन नगर, कोकन बस स्टॉप के पास, कोकन नगर बस स्टॉप के पास में है। मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है, ट्रस्ट मी, कहीं से भी आ रहे हो, मैं अंधेरी से आते आते मुझे काफ़ी वक्त लग गया, पर ये खाने के बाद वो इतना ट्रैफिक में अटकना वसूल था, वसूल है। ऐसा चिकन मिसल, ये नॉन वेजिटेरियन हो तो मज़ा आ जाएगा और वेजिटेरियन हो तो इनका मिसल भी आउटस्टैंडिंग है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं पूरा खाना ख़त्म करने वाला हूँ, बट आई थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। एक और बाइट के साथ चलिए मैं इजाज़त लेता हूँ, इतनी बड़ी थाली है और इनकी मेगा थाली भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आप लोग खाइए या घर पे बनाइए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें, देखते रहें माई गर्ल प्रोडक्शन। बोल चो बैठ के खाता हूँ, बैठ के खाता, मैं बैठ के खाता हूँ, कैमरा कट कर रहा हूँ।